एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट हो गया। हाँ चलो सीधा निकलेंगे अभी। थोड़ा ऑफ रोड पैच इधर पे पैनियर्स के साथ थोड़ा डर लग रहा है। ओह ओके 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 उस तरफ जाना था। हिंगे होगा हिंगे हो गत मगा। चलो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, फोटोज में देखा है मैंने। हा 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 क्रेजी। वो मंदारागिरी टेम्पल है और इधर पे एक पीकॉक फेदर का कुछ टेक्सचर का कुछ तो है। तो एक जैन टेम्पल है, पहले इधर जाएंगे उसके बाद ऊपर टेम्पल को निकलेंगे। चलो ओके सो बाइक्स पूरा पार्क हो चुका है, अब अंदर जाके दिखाएंगे कैसा है। चलो इधर एक गोमटा स्टैचू है देख सकते हो। तो ये जो बुद्धा स्टैचू है उसको एक ही पत्थर से बनाया गया है। ये जो पिकॉक फेदर का जो एक क्या बोलते हैं इसको, ये भी एक टेंपल ही है देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और उधर ऊपर पे भी एक टेंपल है, उधर भी जाएंगे हम लोग अभी। बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से बिल्ड किया है इसको। इधर अंदर हमको फोटो वीडियो के लिए अलाउड नहीं है, तो हम जाके दर्शन करके उसके बाद आते हैं। ओके सो इधर पे दर्शन कर लिया हमने और अंदर फोटोज वीडियोज अलाउड नहीं था, अभी सीधा हम लोग उस वाले मंदिर में जाएंगे। सो ओके चलते हैं अभी ऊपर की तरफ वो मंदिर को देख के, उसके बाद हम लोग सीधा उडुपी निकल जाएंगे और वो तीन लोग बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट होंगे। वो लोग बेसिकली बैंगलोर से ही है और हमें जाना है उडुपी। ये जो रोड है वो फिलहाल में ही बना है ऐसे बोल रहे थे उधर, नहीं तो वो जो उधर स्टेप्स था उधर से ही जाना पड़ता, 450 स्टेप्स कुछ है। अनवय जब लास्ट टाइम आया था तो ये रोड नहीं था, अभी सीधा टॉप तक जाएगा ये रोड में, नया नवेला रोड। ओ हो ब्यूटीफुल व्यू, राइट साइड पे एक लेक और वो जो पहाड़ है बहुत ही सही तरह से कॉम्बाइन हो रहा है। इधर पे गेट है, एडवेंचर का लो एंड टॉर्क इतना खराब है, फर्स्ट गियर पे ही चढ़ाना पड़ता है, इट सक्स। लेकिन हाईवे टूरिंग के लिए जबरदस्त गाड़ी है, 156 या 160 तक जा सकते हैं, पैनियर स्टॉप बॉक्स सब कुछ लोड करके। ओके मंदिर आ गया, एक जैन टेम्पल है, बाइक्स उधर पार्क करके वॉकेबल डिस्टेंस है चल के जाएंगे। तो अभी वॉक करके ऊपर आ गए हम लोग, अभी टेंपल एंटर करने वाले हैं। ये देख सकते हो इधर पे ब्यूटीफुल व्यू है, शायद टेंपल क्लोज है, देखेंगे बाहर से ऐसे ही देख के वापस आ जाएंगे। एक बार के लिए मैं सोचा कि मतलब बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इट्स एन आर्ट। ये जो पेड़ देख रहे हो ये पेड़ नहीं है, सीमेंट का बना हुआ पेड़ है, ये नकली पेड़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, क्रेजी। बहुत मेहनत लगा होगा ये सब बनाने के लिए, जैसे डिवोटीज बैठते हैं ना वैसे ही चारों तरफ से स्टैचूज बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है।
रियलिस्टिक भी लगता है एक बार के लिए जब एंटर करते हो ना। तो मैं एक बार के लिए सोचा कि सच्ची में डिवोटीज लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और इधर पे व्यू, तो यही स्टेप्स के बारे में बात कर रहा था मैं। 450 स्टेप्स है इधर। और अगर वीकेंड पे आ रहे हो ना तो गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं इधर। वीकडेज पे आ रहे हो तो गाड़ी अलाउ करते हैं, जिस रोड से हम लोग आए। और वीकेंड्स पे अगर इधर आना है तो ये स्टेप्स चढ़ के आना है। सो ओके, टेम्पल देख लिया, आप सीधा निकलेंगे उडुपी की तरफ। और एक और बात मैं कहना भूल गया, वो जो डिवोटीज का स्टैचूज मैंने दिखाया ना, वो एक्चुअल में रियल पीपल है। कोई भी आके मतलब थोड़ा डोनेशन वगैरह करके, वो क्या स्कीम है वो नहीं पता है, बट कुछ डोनेशन देके अपना चेहरा उधर लगा सकते हो। तो उधर जितने भी लोगों का चेहरा था वो सब एक्चुअल में जिंदा है, या कुछ लोग मर भी गए हैं। तो इधर एक थोड़ा फोटो शूट करके फटाफट निकल लेते हैं, क्योंकि खतरनाक धूप है इधर। चलो निकलते हैं अभी सीधा उडुपी। बाय ब्रो, सीगाना। बाय बाय, बरते ब्रो। बाय बाय, सीगाना ब्रो। हाँ सरी, बाय बाय। बाय बाय। तो इधर से वो तीन लोग बेंगलोर की तरफ और हम दोनों उडुपी की तरफ। हम एंटर कर चुके हैं 3-lane हाईवे, ये तुमकुर रोड है। बेंगलोर टू पुणे हाईवे है। आते वक्त हम लोग चारमार्ट से आए थे, अभी जाते वक्त दूसरा रास्ता लेंगे। बहुत ही बढ़िया रोड है। तो अभी हम लोग इधर एक टोल में रुके थे, एक रेडबुल ब्रेक ले लिया। तो अभी सीधा निकलेंगे। 56 किलोमीटर्स तक ये हाईवे का एक स्ट्रेच है, 3-lane हाईवे। बोरिंग भी है और मज़ा भी आ रहा है। तो चलो इधर से निकलते हैं। लंच के लिए किधर भी रुकाएंगे, किधर रुकाएंगे देखेंगे आगे, जो अच्छा होटल मिलेगा उधर रुक के फटाफट एक लंच करके फिर सीधा उडुपी। खाना खाया, बिरयानी खाया, दीपक बिरयानी हाउस। बहुत ही अच्छा बिरयानी था, पेट भर गया। तो क्या हुआ, वो टोल से निकलने के बाद मेरा गोप्रो ऑन नहीं हो रहा था, शायद हीट हो गया था। वो टोल से हम लोग एक ही स्ट्रेच में इधर आए, करीबन 145-150 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया बिना ब्रेक का। और इधर थोड़ा पेट पूजा वगैरह हो गया, सही से बैटिंग हो गया। अभी जितना हो सकता है उतना किलोमीटर्स कवर करेंगे भाई। 6:37 उडुपी रीच होना चाहिए मैप के अनुसार, देखेंगे। आज कोई इमरजेंसी नहीं है, हमको आराम से जाएंगे, लेकिन सनसेट से पहले पहुंचेंगे तो अच्छा है। गोप्रो में दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन उधर पे फेंस डाल के गड्ढा बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। मतलब वो फेंस वगैरह इसके लिए लगाया है ताकि वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर और एलिफेंट रोड पे ना आए। क्रेजी रोड्स है, पूरा स्ट्रेच है इधर। तो अभी ऑलमोस्ट उडुपी पहुंच ही गए हैं समझो, आगुम्बे एक 10 या 15 किलोमीटर दूरी पे है। अभी टाइम हो रहा है 5:50, यानी कि सनसेट हमको मिलने वाला है। तो एक सनसेट के साथ मस्त चाय, कड़क चाय की चुस्की लेंगे और सीधा उडुपी निकल लेंगे। रोड्स मक्खन है मक्खन, कर्व्स तो नेक्स्ट लेवल है भाई। सो हम लोग आगुम्बे एंटर कर चुके हैं। इधर आगुम्बे व्यू पॉइंट में नहीं रुकाएंगे क्योंकि बहुत ही भीड़ है इधर। सो नीचे एक जगह है जिधर पे भीड़ थोड़ा कम होगा या भीड़ ना के बराबर होगा, उधर सनसेट देखेंगे। तो यही है वो व्यू पॉइंट जिसका मैं बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत सनसेट है। इधर थोड़ा देर गाड़ी रुकाएंगे, इधर पे थोड़ा गाड़ी रुकाने के लिए जगह है। तो एक ब्यूटीफुल सनसेट के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे एक और व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजा दो। क्यों अनुय कुछ बोलना चाहता है? Stay safe, stay ready, keep rolling. Bye bye. Bye.